बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ही शो देख भी रहे होंगे जो मीडिया में जाना चाहते होंगे इस वक्त ग्रेजुएट हो चुके होंगे या होने वाले होंगे उन सब के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का शो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल रहेगा शुएब सब सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके करियर का आगाज़ कहाँ से हुआ था मेरे करियर का आगाज़ जिस तरह आज मैं एक सोफे पर बैठा हूँ ये तो एक अच्छा सा कमरा है लाइट्स भी ऑन है लेकिन मेरा आगाज़ पी से ही हुआ था और मैं कई घंटे सिर्फ सोफे पर बैठा देखता होता था कि क्या हो रहा है तो डेट वॉज अनपेड इंटर्नशिप एक्चुअली जब मैंने एम फिल अपना किया थीसिस अभी रहता था तो मुझे किसी ने कहा कि इंटर्नशिप करो आई थॉट के अच्छा मीडिया आई वॉज नोइंग नथिंग अबाउट मीडिया आई आर जब कर रहे थे तो सोचते थे कि या तो अच्छा फॉरन ऑफिस यानी अगर सी एस एस कर लेते हैं तो उसकी तरफ जाना चाहेंगे या किसी एन जी ओ में चाहे वाप की कोई लोकल एन जी ओ या कोई इंटरनेशनल एन जी ओ लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और नज़र आया अच्छा चलो यार ठीक है करके देखते हैं मीडिया उससे पहले ना शौक था ना मालूम था ना किसी ने इतना जिक्र किया हुआ था फैमिली भी ऐसी थी किसी कि कोई था नहीं मीडिया में आई वॉज लाइक अच्छा चलो ठीक है कि इंटर्नशिप करके देखते हैं इंटर्नशिप करने से क्या घबराना तो हम चले गए और वहाँ पर जब गए इत... वेलकम तो इतना अच्छा नहीं उस तरह से किया गया जैसे हम देखते हैं अभी इंटर्नीज़ आते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम तो बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं आई होप जो हमारे साथ इंटर्नीज़ काम करें वो भी यही राय रखते हो मेरे बारे में लेकिन जब मैं गया तो मुझे लगा कि बस ठीक है यार आपको तो कुछ भी नहीं पता आप आराम से बस यहाँ पे जब बैठ जाए मैंने भी पी में इंटर्नशिप की हुई है आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ होगा अच्छा था ग्रेट तो बह शुरू में मेरे साथ यही हुआ कि दो चार रोज़ तो बस मैं सोफे पर बैठ के सिर्फ देखता था क्या हो रहा है फिर मुझे एक काम दिया गया और काम यह था कि जो गेस्ट आ रहे हैं उन गेस्ट को आपने रिसीव करना और गेस्ट को लाकर स्टूडियो बिठा देना आपने एंड आई वाज लाइक जबरदस्त जी काम मिल गया मुझे <laughs> तो उन गेस्ट को मैं बस रिसीव करता था और गेस्ट को ले जाकर मैं बैठाता था।, था स्टूडियो में और मुझे पॉलिटिक्स में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था कौन सा बंदा किस पोलिटिकल पार्टी में उसका नाम क्या है आई आई न्यू नथिंग तो वो कमर जमान कह रहा उस वक्त मुझे याद है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और मैं कहता ओके होंगे मुझे क्या आप बता? उनको रिसीव करने गए मैं था। उनको रिसीव करने गया अच्छा। था और बस मैंने रिसीव किया वो ठीक है वो गेस्ट है कोई इलाके मैंने बिठा दिया उस वक्त की तोप चीज़ थे वो बरल मैंने कहा ठीक है गेस्ट है बस बिठाओ इसको तो ऐसे तीन चार रोज ऐसे रहे और फिर मेरा ख्याल है शायद वॉइस ओवर के लिए कोई बंदा अवेलेबल नहीं था उस वक्त तो उन्होंने कहा अच्छा आप वॉइस ओवर कर दें देट वॉज पीटी वर्ल्ड इंग्लिश तो मैंने कहा अच्छा अंग्रेज़ी तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन चलें कर देते हैं तो वॉइस ओवर की और मुझे याद है जब मैंने पहली वॉइस ओवर किया वो सो बसोटेड मैं हर किसी को बता रहा था मेरी आज मेरी वॉइस ओवर चलेगी आज मेरी आवाज आएगी टीवी पे तो मैंने घर भी कॉल कर दी मैंने हर किसी को दोस्तों को बता दिया मेरी आवाज आएगी प्रोग्राम में और एक रिपोर्ट चलेगी नाइनटी की मेरी आवाज उसमें होगी अच्छा। मैं खुद बड़ा एक्साइटेड था अच्छा वो चली और मैं सुन रहा सुन रहा सुन रहा एकदम जब वो हो गया तो मुझे कॉल आई वहीं पर बॉस थे कि जरा आप आए मेरे पास मैंने कहा लो लोभी काम उतर गया ये अब मेरा आखिरी दिन था इन टेंशन का हो गया कोई भंडमुट से कोई गलती होगी और अब बस

तो ऑन स्क्रीन काम करना है आई डोंट नो वो मेरे अंदर एक चीज़ आ गई कि नहीं नहीं यार मुझे कैमरे के पीछे काम नहीं करना हालांकि कैमरे के पीछे वालों की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और exactly, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर काम वो करते हैं वो ज्यादा टेक्निकली साउंड है उनको बेहतर पता है हमें तो कुछ भी नहीं पता सिर्फ बातें करनी है बैठ के जो कि आसान तरीन काम है तो वो कैमरे के उस पार जो लोग हैं ना वो ज्यादा मुश्किल काम करें मुश्किल काम नहीं कर सकता था मुझे ये लगता है तो मैंने कहा आसान काम ये चुप करके ना कैमरे के सामने आप तैयार शर गप्पे गए लगाए तो वो ठीक है और मैं इतना शाय था इतना शायद था मैं आज कुछ टॉकेटिव हो गया हूँ अदरवाइज मैं बहुत शायद था मैं नजर उठा के बात नहीं करता था मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता था मैं मुझसे कोई सवाल करता मैं कामता था मुझे सवाल करना भी नहीं आता था लिटरली मुझे नहीं पता था कि सवाल कैसे करना है और क्या सवाल करना है विद द बेस्ट ऑफ टाइम कुछ कुछ सीख पाए कुछ कुछ आगे चल कर सीख जाएंगे तो ये इस तरह से मेरा शौक भीदार हुआ कि अच्छा मुझे अब एंकरिंग uh, करनी है तो मतलब स्टार्ट से ही मुझे हो गया मीडिया में आने के बाद कि अच्छा अगर मीडिया में रहना है तो फिर एंकरिंग करनी है एंड दैट टू न्यूज़ एंकरिंग करनी है मतलब प्रोग्राम नहीं करना मॉर्निंग से कुछ नहीं न्यूज़ एंकरिंग करनी है, है। रिपोर्ट बन के बैठने खबरें पढ़नी है तो वो मुझे पसंद था तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिए और बेशुमार दिए

को एब्जॉर्ब कर लेती है दैट्स हाउ इट इज अच्छा आपस की बात है मीडिया की फील्ड कोई भी ना बच्चा जहन में सोच के बड़ा नहीं होता कि नहीं। मैं एंकर या होस्ट बनूंगा होता होगा लेकिन इट्स रेयर डॉक्टर बनूंगा बनूंगी इंजीनियर बनेंगे यही सोच होती है आई थिंक अब बदल गई है नहीं

भाई मैंने एफ एस सी पार्ट मैंने एफ एस सी पार्ट वन कर लिया है मैंने एंकर बनना है फॉर गॉड से यार डिग्री ले लो पढ़ लो पहले यूनिवर्सिटीज किस लिए हैं तो ये जो चौदह पंद्रह सोलह साल की उम्र में आप कहते हैं ना एंकर बन जाना है मेरा ख्याल ये गलत है पहले आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस से मिला जिस तरह आप एक्सपीरियंस यहाँ पे बैठी हासिल करें दिस इज एक एक्सपीरियंस क्या आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस यूनिवर्सिटी में कि आपको ये कैमरे भी अवेलेबल है आपकी टीम है सिखाया जा रहा है एक्चुअल आप ये प्रैक्टिस कर रही हैं ना हमारे वक्त में ये था खैर मैंने तो आ, मीडिया स्टडीज पढ़ा भी नहीं है लेकिन अब एफएससी करने वाले बच्चे के पास ना ये अपॉर्चुनिटी है और ना उसे करना चाहिए पहले स्टडी पे फोकस कर ले और फिर आए और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बैक में डिड माय इंटर्नशिप इन पीटीवी थर्ड उसके मुकाबले में मैं अगर अब देखूं, कैमरा कैमरा से हो जाना, फ़ियर इज़ रियल थिंग, जब thing, आप yes. दफा कैमरा के सामने बैठ जाते हैं ना तो hmm. आप वाली बात तो उससे दोस्ती हो जाती है रियल वर्ल्ड hmm. आप असल में किसी और चैनल में किसी स्टूडियो में जाते हैं तो वो खौफ नहीं रहता तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए वी आर अलाउड टू

प्रैक्टिकल लाइफ लाइक दिस अब पूरे वाकई <laughs> जी, तो. जी, जी, जी। नहीं होता पूरा अब मीडिया बिल्कुल बदल चुका है अब खबर देने का अंदाज भी मुख्तलिफ है अब वो जो आपने पूरे डब्ल्यूज करने हैं वो नहीं कोई भी पूरे कर रहा होता लेकिन बहरहाल खबर दे रहा होता है क्योंकि अब शायद हमारी ऑडियंस ऐसी है अब हमें कुछ चीज़ मुख्तलिफ अंदाज में चाहिए दैट इज़ द रीज़न जो मनफर्द अंदाज में काम करना वो चाहे कोई रिपोर्टर है चाहे वो एंकर है वो हेट हो रहा है क्योंकि वो डिफरेंट काम कर है। रहे हैं और ये यही डिफरेंट काम हमें करना पड़ेगा क्योंकि हर शख्स डिफरेंट है ना वो अपने अंदाज से किसी काम को करते तो हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ ना किसी को कॉपी करें और ना बुक को भी इतना फॉलो करें बाय बुक इतना भी ना चलें आप अपने आप को पहचानें कि अच्छा आप किस तरह किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कोई ना, कोई ना, exactly, कुछ तो वो, वो तो सकता है लोग exactly. वो बिल्कुल शरणा अंदाज में गुफ्तु करते हैं और कुछ होता है वो बिल्कुल सलीस उर्दू और वो उस तरह की गुफ्तु करते हैं तो हर बंदे का एक अपना टैलेंट उसकी स्ट्रेंथ है अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाए तो बेहतरीन है

कि खाम खा, कुछ चीजें अटैच हो जाती हैं इस इंडस्ट्री के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है एक तो जब लोग मिक्स करते हैं ना वो शोबिज लाइफ को विद दिस मीडिया इंडस्ट्री तो वो खामवा खा अजीब ही होता है अच्छा पार्टीज और ये और मेरे ख्याल में भी भी ये थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ चला जाता yes. है और वो एंटरटेनमेंट की तरफ चला बिल्कुल. जाता है और वो भी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है बिल्कुल कह रहा ऐसा नहीं है वो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है और लेकिन ज़ाहिर है वो एक लाइफ स्टाइल है अब अगर टीवी पर हमें कोई एक्ट करता दिखाई दे रहा है इंसान तो दैट्स नॉट हिज ओन पर्सनैलिटी वो तो कैरेक्टर है जिसमें वो ढल चुका है So so uh, uh, बातें हमारी चलती रहेंगी mm. बहुत मजा आ रहा है वैसे मुझे खुद बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है मीडिया इंडस्ट्री के बारे में एक ब्रेक लेते हैं छोटी सी उसके बाद वापस आते हैं इन्हीं बातों की तरफ विल सी यू आफ्टर <laughs> वापस हम चलते हैं अपनी उन्हीं बातों की तरफ okay. मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने पहले समा टीवी में काम किया फिर पीटीवी में काम किया hmm. अगर मैं इसको करूं, मैं इसको ब्रॉडली कैटेगराइज़ आपसे ये नहीं पूछूंगी सा अच्छा। <laughs> <laughs> तो कि प्राइवेट मीडिया सेक्टर और पब्लिक मीडिया सेक्टर में कोई फर्क महसूस किया है अच्छा तो ठीक है Next question? <laughs> ये 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 भी एक अच्छा तरीका मैं मैं इसको आप आप, आप आप कर लेता है। आ, मैं इसको आप आप बहुत बहुत अच्छे करता हूं। जो आपका होता है ना मैंने start PTV से किया नहीं, media का सफर बट जो मेरी एंकरिंग का सफर है वो समा के साथ जुड़ा है वो पाँच छह साल पर मुहित है समा एक ऐसा इदारा है जिसने मुझे सिखाया है बनाया है समा ने मुझे इज्जत दी है तो समा मेरे यहाँ पर है और वो हमेशा रहेगा मैं उस दिन रोया जिस दिन मैंने समाज को छोड़ा तो समाज से मेरी मोहब्बत ऐसी है और मैं इसलिए नहीं कि समा मैंने काम किया और मैंने किसी और प्राइवेट चैनल में उस तरह से ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा बट मैं ये वसूख से कह सकता हूँ मीडिया इंडस्ट्री में प्राइवेट चैनल्स की दौड़ में जो इन्वॉर्मेंट समा का है जो समा माक़ देते हैं यानी आई वॉज अ रिपोर्टर और मुझे उन्होंने मौका दिया कि आप एंकरिंग uh, करें hmm. तो समा गेम या चांस समा लोगों पे ट्रस्ट करता है अपने अपने एम्प्लॉयज पे ट्रस्ट करता है नॉर्मली चैनल्स पे क्या होता है अच्छा वो बाहर से एक बंदा हायर कर लेते हैं अपने बंदों को मौका नहीं देता समा इट्स नॉट जस्ट मी बहुत से लोगों को समा ने मौका दिया बहुत से लोग समा ने बनाए हैं तो इसलिए मैं समा का बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि समा ने मुझे बनाया है जितना भी बनाया है तो बड़ा छोटा सा लेकिन जितना बनाया है, समा ने बनाया तो इसलिए समा हमेशा यहाँ पे रहेगा तो समा के साथ तो मोहब्बत ऐसी है पी टीवी पी टी वी जार्टेट चैनल है रियासत का बयानिया जाहरा देना स्टेट का, का काम है प्राइवेट से बड़ा हटके काम करता है सनसनी नहीं फैलाता मैं बिल्कुल चीजों हाँ पे तो सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएगा क्योंकि स्टेट का चैनल है वसूख के साथ खबर देनी है उन्होंने प्राइवेट में समटाइम्स हो जाता है कि फिर माफी मांगनी पड़ जाती है तो पीटीवी के की पास गुंजाइश नहीं है माफी मांगने की तो पीटीवी पे जिम्मेदारी एंकर पर या पर किसी भी टीम मेंबर पर ना दुगनी तिगनी हो जाती है आप यकीन करें पीटीवी तो में काम करते हुए मैं अपने वर्ड्स को चूज करते हुए बहुत सोचता हूँ एक जुमला बोलते हुए बहुत सोचता हूँ अच्छा क्योंकि मैं इस वक्त एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वह मुल्क का एक बयानिया है उस मुल्क की एक पॉलिसी है

तो मुझे यहाँ सीखने का भी ज़्यादा मौका मिलता है, Because यहाँ पे काम का अंदाज मुख्तलिफ़ है यहाँ के चैलेंजेस मुख्तलिफ़ हैं, तो उस लिहाज से जब इंसान तो चाहे आ, कोई भी और एक करना चाहिए बिल्कुल अपने कम्फर्ट जोन से बट मुझे निकलना पड़ा कि अच्छा मैं आप कुछ चैलेंज लेके करूँ कुछ और भी आई क्योंकि मेरा एक जगह जहाँ बेशक अगर आप बहुत आगे निकल जाए ना तो हाँ। शायद आपको नई जगह चले जाना चाहिए नए चैलेंजेस के पास चले जाना चाहिए बिल्कुल ऐसा मैं इसमें ये सोचता हूँ जब आप किसी इदारे में तीन चार पांच साल काम करते हैं ना जब आप वहां के से बहुत ज़्यादा टू एनवा आपको तो बिल्कुल घर जैसा माहौल मान लगता है मोहब्बत हो जाती है वहां से मेरा ख्याल है तब भी वहां से जाना जरूरी होता है क्योंकि वरना आप स्टक हो जाएंगे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आप एक रूटीन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप उससे मुख्तलिफ कुछ नहीं कर रहे आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहे तो इसलिए इस मौके है। समझते हैं कि हाँ आप कम्फर्टेबल हो गए अब यहीं रहना है अच्छा यहाँ तो लोग गलती करते exactly. हैं इतना ही तो नहीं है और ये लर्निंग और ग्रोइंग माइंड सेट मीडिया इंडस्ट्री के ओवरऑल पाकिस्तान में अगर हम बात करें की हम बात कर रहे थे हम ऑब्जर्व करते हैं रियलिस्टिक बात है हम पढ़ते भी हैं मीडिया का काम किसी हद तक होता है सनसनी फैलाना झूठ या प्रोपेगेंडा की हद तक नहीं मगर लोगों की अटेंशन ग्राफ करने की हद करने बिल्कुल की हद तो आपका अभी करंटली हमारे अगर न्यूज को हम छोड़ दें मॉर्निंग शोज की तरफ चले जाएं डिफरेंट फॉर्मेट्स के मॉर्निंग शोज हैं आजकल जिस तरह का शो आप करते हैं इट्स बेस्ड ऑन न्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली और हमारे पास एक की तरफ, है। आज भी मेरी वहां अगर टीवी चैनल स्विच करेंगी तो वनदा यासरे के शो पे जाकर रुक बिल्कुल क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ना उसमें अगर वो शादी ब्याह भी हो रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट है हम कहते है ना अक्सर किसी से आप बात नहीं कि कि में शादी ब्याह होता है और ये क्या चक्कर है फजूल

उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है खातन भी अब वो देख रहे हैं बिकॉज आ अब पढ़े पढ़ी लिखी हैं, है वो भी खुद भी चाहती हैं कि ठीक है फैशन की अपना एक जॉन रहा है बट वो चाहेंगी यार साथ इंफॉर्मेशन भी मिले आस पास क्या हो रहा है हर खबर जो इस वक्त आ रही है उसकी क्या और इनसाइट्स हैं तो लोग जानना चाहते हैं तो मेरा ख़्याल है

तो आई वेरी प्लीज टू कम अक्रॉस दिस फॉर्मेट ऑफ शोज और ये ये फॉर्मेट्स अच्छे भी हैं क्योंकि आप देखें शाम बजे बजे से लेकर तक आप मुझे खुद बताएं क्या हो रहा है शोज में वो तीन चार पोलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठ के सिर्फ और सिर्फ बैशिंग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कोई प्रोडक्टिव काम उसमें नहीं हो रहा हाँ उन शोज में प्रोडक्टिव काम क्या हो रहा है अगर उसमें वाकई कोई रिसर्च हुई हो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हुआ हो और आपने कोई ऐसी रिपोर्ट सामने लाई जिससे हुकूमत या इदारे सीख पाए जाहिर है सीखने का मान है ना ये तो हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट भी हंड्रेड परसेंट ठीक चल रही हो गवर्नमेंट भी सीखती है यही जमहूरत है वो सीखती है लोगों की राय लेती है तो ये जो इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होते हैं ये ये अच्छा है ये आ, उसमें आ, एक वैल्यूएबल एडिशन होता है लेकिन अदरवाइज अगर सिर्फ आपने वो शो करना है फॉर द सेक ऑफ डूइंग ए शो कॉलिंग थ्री फोर कोई हासिल उसूल नहीं है लेकिन उन्हीं बंदों को आप लेकर आए अप, अपने शो में और आप उनसे उनकी पर्सनल लाइफ हो सकता है उनकी अपनी भी कोई स्ट्रगल हो hmm. हो सकता है अपनी भी कोई कहानी हो हर शख्स की कहानी होती है तो व्हेन यू डिस्कस दैट तो फिर डिफरेंट शो हो जाता है अच्छा तो आ, अगर हम शोज की और होस्ट की फॉर्मेट्स की बात करें hmm. आपका फेवरेट होस्ट कौन है ओके okay, um,

कंटेंट होता है वो उसे काटते हैं और उस कंटेंट को वो फिर प्ले करते हैं क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी गेस्ट को सुन रहे हो ना रेपिटेशन हो रही होती है और फिर जब एंकर इंटरप्ट करता है तो वो स्क्रीन पे बुरा लगता है कि अच्छा अरे एंकर ने बात मुकम्मल नहीं करने दी हालांकि मैं ये समझता हूँ कि एंकर जब इंटरप्ट करता है वो इसलिए इंटरप्ट करता है उसे मालूम है कि आप जो बात करें वो आप कर चुके हैं और अभी आपकी बात में से मुझे एक बात निकाल के एक सवाल करना है क्योंकि अगर हम ये करके बैठ जाए ना एक दो तीन चार पाँच छह सवाल आज मुझे एक घंटे में करना तो फिर शो नहीं होता आपने सोचना है अच्छा मेरा एक ब्रॉडर पिक्चर ये है ये गेस्ट है और ये मेरे पास पॉइंटर्स हैं हो सकता है उसमें से मैं एक ही पॉइंट पे पूरा शो कर दूं दूँ exactly. बात, बात, बात से बात नहीं हो सकता है मैं आगे वाले पॉइंट्स पर तो भी चला जाऊं तो शाहजेब का शो मुझे इसलिए पसंद है कि वो जब सोचता है चाहिए ये ये सेगमेंट है और वो उस गेस्ट को रिकॉर्ड उसने अगर मैक्सिमम कर लिया तो वो उनको चॉप करते हैं और फिर वो प्ले करते हैं और ये मुझे उनकी बात अच्छी लगती है क्योंकि जो कॉन्टेंट सुनना चाहिए या जो कॉन्टेंट जरूरी है वो दिखा रहे हैं हमें तो उसमें थोड़ी तनकीद भी होती है कि आपने गेस्ट की बात काट दी और वो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बात हो लेकिन

आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे ठीक है। वो देखते ही आपके जहन में जो पहला लफ्ज आएगा वो आप बोलेंगे ओके। ठीक है तैयार है हैं मैं तैयार हूँ अच्छा जी तो सबसे पहले हमारे पास शेख रशीद। रशीदे वेरी स्मार्ट ओ कूल अच्छा बेशक nice, <laughs> oh, cool. अच्छा. और ये रहे चलें ये तो बहुत अच्छा हो गया

इसलिए कह रही हूँ थोड़ी सी <laughs> हाँ थोड़ी सी हो या ज्यादा हो फायदा भी और नुकसान भी तो है. कभी कभी नुकसान भी उठा लेना चाहिए तो मैंने तो बहुत बड़ा नुकसान है। उठाया है इसलिए मैं तो इस पर <laughs> कहता हूँ कि नहीं बट यू सर्वाइव एंड यू एक्सेल्ड सो आई थिंक कर लेना चाहिए कभी कभी रिस्क ले लेने चाहिए um, uh, आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी शख्सियत है जिनको आप होस्ट करना चाहेंगे आई मीन ओके मलाला यूसुफ सई अच्छा कह सकते हैं कि पहला ख्याल उनका मेरे ज़हन में आ गया, इसलिए दैट्स यूसफ और इसकी कोई खास वजह मलाला यूसफ सई से देखिए हमने पढ़ा भी बहुत सुना भी बहुत और मलाला के ही हवाले से एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने

वो पुरानी बात होगी जब वो यहाँ थी उसके बाद अब तक ओपिनियन है, अपना yes, अपना है तो exactly. उनकी साइड की स्टोरी कभी सामने नहीं आई नहीं हुई you know, हाँ, तो अच्छा तो आ, अगर हम रैप अप करने की तरफ जाए आप बच्चे जो मीडिया को प्रसू करना चाहते हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को खास तौर पर अच्छा बहरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक तो ये कि हम सब बड़े स्मार्ट हैं ना बच्चों की बात करो मेरे अलावा मैं तो बड़ा हो गया हूँ जब हम बच्चों की बात करते हैं वाकई बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं जो कि हम फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक कोटेशन है बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी अराउंड हम सब तनकीद तो करते हैं अच्छा ये काम ठीक नहीं हो रहा तो मैं मेरी सजेशन ये है कि आप बस ठीक काम करें आपको जो लगता है ना कि अच्छा ये काम ठीक होना चाहिए वो ठीक काम करें फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल भी किया था कि अच्छा मॉर्निंग शोज या द अदर साइड जनरली आप किसी से सवाल करेंगे नहीं नहीं, नहीं यार शादी ब्याह वाले शोज तो नहीं देखने हमने ये क्या हो रहा है आप ना करें सिंपली डोंट डू दैट आप वो शो करें जो आप देखना चाहते हैं आप उस तरह काम करें जो आप देखना चाहते हैं आप उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं जो आप खुद देखना चाहते हैं तो ये एक चेंज क्रिएट हो जाएगा आपके अपने काम से मतलब बातें कम करें एक्ट करके दिखाएं एक्ट करके दिखाएं कर जो चाहते कर कर करें एग्जैक्टली exactly, हम हमारी आदत है बसियत कॉम ना कि हम बस कहते हैं अच्छा ये बुरा वो बुरा ये गलत वो गलत उसने ठीक नहीं किया मैंने भी ठीक नहीं किया मेरी भी गलतियां कोताहीियां कमी है, कोता है, कम है। क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करें कि अच्छा यार मैं अपने वीकनेस पर काम करता हूँ क्योंकि हर शख्स में कोई ना कोई वीकनेस होती है तो मैं अपनी वीकनेस पर काम करता हूँ मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ

जस्ट नीड दिस फोन और ये आपके पास है और आपको बहुत अच्छा यूज करना आता है और अब तो सारे बहाने हो अब तो है, है, मिली अच्छा वो चैनल तो सिफारिश चलती है। अच्छा यार, को भी सिफारिश। एक तो इस सिफारिश वाली भी यहाँ से निकाल दें कोई सिफारिश वाला चक्कर नहीं होता इफ यू हैव दैट टैलेंट आप आगे जाएंगे ये तो बहाने बहाने सिर्फ बहाने हैं तो आप फोन डॉक्यूमेंट्री शूट करें सब कुछ करें जॉब करना चाहते हैं ठीक है तो बहाने छोड़ दें काम करना शुरू करें एक्ट करना शुरू करें जहन में दिमाग में बड़ी बड़ी बातें ख्वाब देखना अच्छी बात है लेकिन जब तक आप हिल के काम नहीं करेंगे खुद वो नहीं करेंगे जो आप दूसरों को करते देखना चाहते तब तक दुनिया बदल लेने वाली और मेरे ख्याल में मीडिया में इंटरेस्ट लेने वाले स्टूडेंट्स होस्ट्स जो बनना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स उनके पास ये अपरचुनिटी है उम्मीद है आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है शो से बात करके मीडिया इंडस्ट्री के बारे में ऐसी चीजें जानने को मिली है जो आगे मेरे हम सबके बहुत काम आने वाली है आपसे अगले शो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाँ।